साथियों, जन औषधि के माध्यम से बीमारी के संकट में गिरे लाखों परिवारों को राहत पहुंचाने का ये प्रयास किया जा रहा है और मुझे एहसास है कि बीमारी के कारण एक परिवार कितनी मुसीबतों से गुजरता है। बीमारी परिवार के एक सदस्य को घेरती है, लेकिन शारीरिक पीड़ा शायद एक को होती है, लेकिन बाकी अनेकों प्रकार की पीड़ाएं परिवार के हर सदस्य को झेलनी पड़ती है। यानी एक प्रकार से बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, बच्चों की आवश्यकताओं के संदर्भ में जकड़ लेती है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाली, ये उच्च गुणवत्ता वाली बात में बड़ा महत्व है, ऐसी दवाइयां उपलब्ध कराने का निर्णय किया। साथियों, इसके लिए सरकार ने दो बड़े कदम उठाए। पहला, सामान्य उपयोग की 850 से ज्यादा दवाइयों का मूल्य नियंत्रित किया गया है। हार्ट और नी सर्जरी जैसे उसके साथ जुड़े हुए जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, बड़ी डेलिकेट चीजें होती हैं, बहुत महंगी होती हैं, उसका दाम सस्ता किया गया है। दूसरा, पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। केवल जन औषधि के माध्यम से ही इसी वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की बचत आप जैसे लाखों परिवारों को हुई है, और अभी तो उसका ज्यादा प्रचार भी नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, और हमारे सामान्य परिवार के 1000 करोड़ रुपया बच जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, जन औषधि केंद्रों पर जो दवाएं मिल रही हैं, वो बाजार भाव से 50 से 90% तक सस्ती है। कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 50 में मिलती हैं, तो कुछ दवाइयां 100 रुपये वाली 10 रुपये में मिलती हैं।